All right, dear friends, welcome to our YouTube channel Tharoor Academy Kadim Akil. और आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव का कंपटीशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. एडजेक्टिव का बेसिक डिस्कस कर लिया है, ठीक है. तो हमारा टॉपिक एडजेक्टिव है और ये कंपटीशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है. इट इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स a noun or a pronoun. Pronoun is known as adjective. It is a word which describes a noun or a pronoun. देखिए बाप. He is brave. सर पहले बताइए तो adjective है क्या, पूरा अच्छे तरीके से बताइए. आप एक लाइन लिख बार क्वेश्चन लगाना लगती है. हाँ तो रुको तो बता दो. मेरे एक लाइन ना मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ऊपर से निकल जाता, पास हो जाता है. He is a brave boy. अब बाबू देखो, आपने इज लिंकिंग वर्ब लिखी. यस सर. लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं. कॉम्प्लीमेंट नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं. अब यहाँ पर आपने ब्रेव एडजेक्टिव लिख दिया. जब आप किसी एडजेक्टिव को बिना नाउन के लिखते हो तो उसको आप प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलते हो. प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव. अब यहां पर आपने इज लिंकिंग वर्ब लिखी, इसका एक कॉम्प्लीमेंट लिखा बॉय नाउन. इसको डिफाइन करने के लिए आपने एक एडजेक्टिव लिख दिया. जब आप कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए लिखते हो तो आप उसको बोलते हो एट्रिब्यूटिवली यूज एडजेक्टिव. एट्रिब्यूटिवली सर, एट्रिब्यूटिवली क्या होता है? एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज करना. सर आपने एट्रिब्यूटिवली कुछ बताया भी तो था इससे पहले. बाबू ये देखो ना, एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज कर लो, एट्रिब्यूटिवली यूज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को बिना नाउन के यूज करना, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. बस इतना सा है इसमें, और क्या याद बताना है. अब देखिए, अब ऐसे एक लिखते हैं, ही इज अ कावर्डली. ही इज अ कावर्डली. अब आपने आ लिखा, उसके बाद कावर्डली वर्ड लिखा. ए और एन का यूज आप किसी नाउन के लिए करते हो, डिटरमिनेंट का यूज किसी नाउन के लिए करते हो. अगर ये कावर्डली नाउन हो तब तो ये आ का यूज ठीक हो जाएगा, लेकिन कावर्डली नाउन नहीं, एडजेक्टिव है. कावर्डली एडजेक्टिव है. तो आप इसको दो तरीके से नहीं कर सकते, या तो आ हटा दो अगर आ का यूज करना है, तो फिर कोई नाउन लिख दो, कावर्डली मैन, कावर्डली बॉय. तो ही इज आ कावर्डली गलत हो जाएगा, ही इज कावर्डली ऐसे लिख दो बाबू. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. माइदर नाउन लिखा. नाउन को क्वालिफाई करने का काम किसी एडजेक्टिव का होता है. अब आपने यहाँ पे वेरी का यूज कर दिया, लेकिन वेरी तो एडवर्ब है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो आप इसको यू आर वेरी माइजरली लिख दो. माइजरली है एडजेक्टिव, माइजरली एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ऐसे ठीक हो जाएगा. या फिर आप अगर माइजर का यूज करना चाहते हो तो वेरी की जगह किसी एक एडजेक्टिव का यूज कर दो. ग्रेट माइजर, You are a great miser. ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है. चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं. एक और देखो, He is not as coward as your friend. अब आप देखो, आपने लिखा he is not as coward as your friend. यहाँ पे आपने as adverb लिखा और यहाँ पर उसका coward लिखा. coward noun है, फिर आपने as adverb लिखा. as का यूज आप सिमिली के लिए करते हो, जहाँ ठीक है
अब देखो एडवर्ब तो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर पाते, एडवर्ब तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे। कावर्ड नाउन है, इसकी एडजेक्टिवल फॉर्म देखो, कावर्डली एडजेक्टिव होता है कावर्डली। ठीक है, एक बार देखो, He is so fool that he can't understand. अब आपने so adverb लिखा और fool यहां पर एक noun लिख दिया। Adverb तो noun को modify नहीं कर सकते, ये तो गलत हो गया। अगर आपको so का use करना है तो इस फूल की जगह इस एडजेक्टिवल फॉर्म लिख लो, फूल ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, ये ठीक हो गया। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो एडवर्ब मॉडिफाई एडजेक्टिव, एडवर्ब कैन नॉट मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव कैन मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना। एक बार देखो, दे आर टू माइजर टू स्पेंड मनी ऑन अकोमोडेशन, अब आपने देखा यहां पर टू क्या है, एडवर्ब है, माइजर नाउन है, एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकते तो फिर ये गलत हो गया, एडजेक्टिव को कर सकते हो तो माइजर की एडजेक्टिवल फॉर्म माइजरली होती है। अभी ठीक हो जाएगा, एडवर्ब एडजेक्टिव मॉडिफाई कर देगा। सो एडजेक्टिव का बेसिकली काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, और एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अब हमने अभी तक कुछ वर्ड देखे जिन जो कि एडजेक्टिव देखने में लग रहे थे लेकिन थे वो नाउन। ठीक है, तो उनको फिर वो गलत तरीके से हम मॉडिफाई करा रहे थे एडवर्ब से, वो गलत भी हो गई। अब ये तो बेसिक सा था, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू यहाँ से देखते हैं, फिर से सवाल लेते हैं। आई फाउंड दोज बिजी पीपल राम इज अ कॉन्फिडेंट बॉय ऑफ हिज सक्सेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाओ किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं और फिर वो प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन मिलके या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनती है या एडवर्ब फ्रेज बनती है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव फ्रेज होगी तो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, एडवर्ब फ्रेज होगी तो किसी एडवर्ब को किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी। अब ऊपर वाले में आते हैं, हम देखते हैं आई फाउंड दोज बिजी पीपल विद देयर वर्क। बाबू आपने यहाँ पर पीपल नाउन लिखा, पीपल नाउन के बाद आपने लिखा बिजी, बिजी क्या है बाबू, एडजेक्टिव है और इसको आपने एट्रिब्यूटिवली पीपल नाउन के लिए यूज किया है। ऑल राइट, फिर आपने विद प्रीपोजिशन लिखी और देयर वर्क उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, देयर वर्क। बाबू प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव होती है या एडवर्ब होती है। अब आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखो बाबू, ये जो आपने विद देयर वर्क प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आप मुझे बताओ किसके लिए लिखी गई है, पीपल के लिए या बिजी के लिए? बिजी के लिए लिखी गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, जब आप किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप किसी एडजेक्टिव के लिए यूज करते हो, जब आप किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को किसी एडजेक्टिव के लिए यूज करते हो तो उस एडजेक्टिव को भी उस प्रीपोजिशनल फ्रेज के पास में लिखा करो,
अब बाबू आपने यहाँ पर विधि को पीपल नाउन से पहले लिख दिया, ये आपने एट्रिब्यूटिवली यूज कर लिया, लेकिन विद देयर वर्क ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये विधि एडजेक्टिव के लिए यूज की जा रही है। तो आप क्या करो, विधि को इस विद देयर वर्क के पास लिख दो। तो आप इसको ऐसे लिखो, पीपल विधि विद देयर वर्क, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को किसी एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हो तो उस एडजेक्टिव को उस प्रीपोजिशनल फ्रेज के बराबर में लिखो। गॉट इट? ऑलराइट, अब आप यहां पर आ जाओ बाबू। राम इज अ कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बॉय ऑफ हिज सक्सेस। फिर से आपने बॉय नाउन लिखा, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव लिखा, आपने इसको एट्रिब्यूटिवली यूज कर लिया, ऑफ प्रीपोजिशन लिखी, हिज सक्सेस इसका ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये ऑफ हिज सक्सेस, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके लिए यूज हो रही है, बॉय के लिए या कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव के लिए? हर कोई बता देगा कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव के लिए, ऑफ हिज सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। तो बाबू देखो, अब अगर ये ऑफ हिज सक्सेस इस कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव के लिए यूज हो रही है तो सबसे पहली बात ये एडवर्ब फ्रेज होगी। दूसरी बात ये अभी मैंने बताई कि अगर किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप किसी एडजेक्टिव के लिए यूज करते हो तो उस एडजेक्टिव को आप उस प्रीपोजिशनल फ्रेज के पास लिखा करो। अब यहाँ पर तो आपने कॉन्फिडेंट को नाउन के पास, बॉय नाउन के पास लिख दिया, ये गलत हो गया। आप ऐसे लिखो, इज अ बॉय कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ऐसे करके लिखिए। एक और मैं आपको बताता हूँ, आपको देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखना बाबू। सोलोमोन इज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। सोलोमोन इज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस, आप सब लोगों को पता बाइबल का किंग है सोलोमोन, अपने जस्टिस के लिए जाना जाता है बाबू। तो फॉर हिज जस्टिस, फॉर प्रीपोजिशन हो गई, हिज जस्टिस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वन के मिलाकर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनती हैं विच आर ईदर एडजेक्टिवल और एडवर्बियल इन नेचर। अब यहाँ पर बाबू आपने देखो किंग नाउन लिखा, किंग नाउन ये इस लिखने पर क्या कॉम्प्लीमेंट हो गया, फेमस एडजेक्टिव हो गया, आपने इसको एट्रीब्यूटिवली यूज कर लिया, एट्रीब्यूटिवली यूज कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ ये फॉर हिज जस्टिस प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके लिए यूज हो रही है, किंग के लिए या फेमस के लिए? फेमस के लिए। अब ये हो गई एडवर्ब फ्रेज। अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी एडजेक्टिव के लिए यूज हो तो उस एडजेक्टिव को आप उसके बराबर में लिखा करो। तो आप फेमस को कहां लिखोगे, फॉर हिज जस्टिस के बराबर में, और किंग चला जाएगा वहां पर। तो आप इसको ऐसे लिखो, सोलोमोन वाज अ किंग, अच्छा वाज कर लेना बाबू, वाज अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस, फेमस फॉर हिज जस्टिस, ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई, वेरी गुड। अब इसको मिटाते थोड़ा सा और आगे बढ़ते, तो आप यहां से बात याद रखें कि प्रीपोजिशन फ्रेज को किसी एडजेक्टिव के लिए यूज करें, वो एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ एट्रिब्यूटिवली यूज किया गया हो तो आप उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। एक और देखना बाबू, they are looking for a suitable place for their office, for their office। बाबू look for एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है सर्च करना। अच्छा place तो हमने लिखा ही नहीं, place लिख देते हैं। All right, they are looking for a suitable place for their office. बाबू उसके बाद फिर आपने for their office लिखा। अब आप मुझे बताओ, for preposition हो गया, their office का object हो गया, suitable यहाँ पर बाबू adjective है और place यहाँ पर noun है, place noun है। अब आप मुझे बताओ, for their office ये preposition phrase किसके लिए use की जा रही है, suitable के लिए या place के लिए? Suitable के लिए use की जा रही है। Looking for a मतलब फॉर देयर ऑफिस ही प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये सुटेबल एडजेक्टिव के लिए यूज की जा रही है या फिर प्लेस के लिए? सुटेबल के लिए यूज कर रहे हैं, सुटेबल के लिए। तो आप क्या करोगे, सुटेबल को प्रीपोजिशनल फ्रेज के बराबर लिख दोगे और ऑफिस को प्लेस को पहले लिखोगे। आप प्लेस सुटेबल
फॉर देयर ऑफिस, ठीक है, तो दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस सुटेबल फॉर देयर ऑफिस, क्यों, क्योंकि फॉर देयर ऑफिस सुटेबल एडजेक्टिव के लिए यूज की जा रही थी, तो आपने इसको देखो बाद में लिख दिया है ना। एक और देखना बाबू, द मैन, अभी बताइए, द मैन पुट द ओल्ड कॉइन्स इन द बैग, इन द बैग। बाबू अब आपने लिखा कॉइन्स नाउन लिखा, ओल्ड एडजेक्टिव लिखा, पुट वर्ब लिखी, उसके बाद आपने इन प्रीपोजिशन लिखी, द बैग उसका ऑब्जेक्ट लिखा। अब आप मुझे इस बार बताओ ये इन द बैग किसके लिए यूज किया जा रहा है, कॉइन नाउन के लिए, ओल्ड एडजेक्टिव के लिए, या पुट वर्ब के लिए? वेरी गुड बाबू, पुट वर्ब के लिए यूज की जा रही है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अब आपको जरूरत नहीं है ओल्ड को इसके इन द बैग के बराबर में लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि इन द बैग तो इसके लिए लिखी नहीं जा रही है, ठीक है, ये तो वेयर कर अप्लाई है, ये तो वेयर कर अप्लाई है और पुट वर्ब के लिए यूज की जा रही है। तो ऐसा रट्टा भी नहीं मार लेना कि प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर लिखी गई है तो ऑफ एडजेक्टिव और नाउन भी है तो उसको बराबर में लिख दो, पहले देखना कि क्या वो प्रीपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्टिव के लिए यूज भी हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पर इन द बैग इस ओल्ड के लिए यूज नहीं हो रहा है, पुट के लिए यूज हो रहा है, सो यू डोंट नीड टू राइट ओल्ड प्रेडिकेटिवली, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे द मैन, इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, सही है। एडजेक्टिव को प्रीपोजिशन से इसके बराबर में लिखा करो। यहाँ पर तुमने एग्जांपल देखा कि यहाँ पर फॉर देयर ऑफिस सुटेबल एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा था, ठीक है, और सुटेबल को आपने प्लेस नाउन से पहले यूज कर लिया था, मतलब एट्रिब्यूटिवली यूज कर लिया था, तो गलत हो गया था, आप इसको प्रेडिकेटिवली यूज करो। आगे समझ में? ऑल राइट, अब बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ये हमारा पहला पॉइंट था एडजेक्टिव का, वो कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर यहाँ से अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ से एक सवाल आया था, एक न्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसको अच्छे से देखिए। अगर चेंज कर लेते चलो फिर से शुरू कर, द पेरेंट्स Concerned of the child met the principal. Concerned of the child met the principal. सही है, met met. बाबू लगा, this is very important. बाबू मैं एक लिखता हूँ, concerned pupil. और एक लिख देता हूं आपके सामने, प्यूपिल कंसर्न। बाबू कंसर्न यहां पर एडजेक्टिव है और कंसर्न यहां पर भी एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। बाबू यहां पर आपने कंसर्न को प्यूपिल नाउन से पहले लिखा है और यहां पर कंसर्न को प्यूपिल नाउन के बाद लिखा है, मतलब एक जगह आपने एट्रिब्यूटिवली यूज किया है और एक जगह आपने प्रेडिकेटिवली यूज किया, प्रेडिकेटिवली यूज किया। ये लास्ट ईयर सवाल आया था, आप उसको संभल के देखें, ठीक है। जब बाबू आप कंसर्न को किसी नाउन से पहले लिखते हो तो वहां पर कंसर्न वरीड वाला मीनिंग कन्वे करता है, कौन सा, वरीड वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरीड मतलब चिंतित। अगर आप कंसर्न को किसी नाउन से पहले यूज करते हो तो कंसर्न वरीड वाला मीनिंग कन्वे करता है। तो अगर मैंने कंसर्न को प्यूपिल से पहले लिख दिया तो मतलब क्या समझूं यहाँ पर, वरीड प्यूपिल, चिंतित प्यूपिल, ठीक है। अगर मैं कंसर्न को किसी नाउन के बाद लिखता हूं सॉरी ठीक है,
कंसेंट को अगर मैं किसी नाउन के बाद लिखता हूँ तो वहाँ पे कंसेंट रिलेटेड वाला मीनिंग कन्वे करता है, क्या चीज रिलेटेड या फिर रेफर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, कंसेंट को नाउन से पहले लिखोगे तो वरी, और कंसेंट को नाउन से पहले लिखोगे तो रिलेटेड या रेफर्ड। अब ऊपर आ जाओ, द पेरेंट्स, पेरेंट्स लिखना बाबू, द पेरेंट्स कंसेंट ऑफ द चाइल्ड मेट द प्रिंसिपल, मेट द प्रिंसिपल। अब बाबू अगर किसी के पेरेंट्स हैं जो प्रिंसिपल से मिल रहे हैं चाइल्ड, ठीक है, तो क्या होगा, वो पेरेंट्स क्या होंगे, वरीड होंगे ना या रिलेटेड होंगे, चाइल्ड से तो रिलेटेड ही होते हैं, तो ये तो बात बोलने वाली है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर पेरेंट्स मिल रहे हैं प्रिंसिपल से तो पेरेंट्स वरीड होंगे, तो अगर हमें वरीड वाला मीनिंग चाहिए तो कंसर्न को नाउन से पहले लिखना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लिखो, कंसर्न पेरेंट्स, क्या लिखो, कंसर्न पेरेंट्स। कंसर्न पेरेंट्स का मतलब क्या होगा, द पेरेंट्स वरीड, ठीक है, वरीड पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। शैतानी कर दी होगी तुम्हारी तरफ कोई होगा बच्चा, तो फिर उन्होंने शैतानी कर दी होगी, प्रिंसिपल ने नोटिस दे दिया होगा निकालने का, बस। चलो एक अब और देखना बाबू, ये कुछ एग्जैक्टिव है, लास्ट यही वाला आया था पेपर, ठीक है, एक और देखो बाबू, they wrote an application to the concerned authority, to the concerned अब आप देखो बाबू, आपने कंसर्न को अथॉरिटी नाउन से पहले लिख दिया, अगर आप कंसर्न को किसी नाउन से पहले लिख दे तो वहां पर मतलब क्या मीनिंग होता है, वरीड वाला, वरीड वाला मीनिंग तो कन्वे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अथॉरिटी वरीड होगी या अथॉरिटी रिलेटेड होगी, अथॉरिटी रिलेटेड होगा, तो आप लिखो अथॉरिटी कंसर्न। ये एक बार और बताए बाबू, देखो कंसेंट प्लस नाउन, अगर आप ऐसे लिखोगे तो वहां पे कंसेंट वरीड वाला मीनिंग कन्वे करेगा, ठीक है, नाउन प्लस कंसेंट, अगर ऐसे लिखोगे तो वहां पे कंसेंट रिलेटेड वाला मीनिंग कन्वे करेगा, रिलेटेड वाला, ठीक है, वहां पे कंसेंट कौन सा मीनिंग कन्वे करेगा, रिलेटेड वाला। तो अब देखो, आपने कंसेंट को अथॉरिटी नाउन से पहले लिख दिया, तो यहाँ पे कंसेंट कौन सा मीनिंग कन्वे करेगा, वरीड वाला, लेकिन अथॉरिटीज वरीड थोड़ी होती है, अथॉरिटीज रिलेटेड होती है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन लिखोगे तो रिलेटेड अथॉरिटी को लिखोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। ऑलराइट, एक और देखो, ऐसे में कुछ नाउन पहले आएगा, हाँ, तो आप इसको लिखो अथॉरिटी कंसर्न, मतलब रिलेटेड अथॉरिटी। एक ऐसे लिख देते बाबू, देखो एक होता है इन्वॉल्व्ड मैटर, अगर एक एडजेक्टिव लिख दो, और फिर हम लिखते हैं मैटर्स इन्वॉल्व, सिंपली बात यह है कि एक बार हम इन्वॉल्व को एट्रिब्यूटिवली यूज कर लें, एक बार प्रेडिकेटिवली यूज कर लें, तो डिफरेंस क्या होता है वो देख लो। जब आप इन्वॉल्व को किसी नाउन से पहले लिखते हो तो वहां पे इन्वॉल्व इंट्रिकेट वाला मीनिंग कन्वे करता है, इंट्रिकेट या कॉम्प्लिकेटेड, और जब आप इन्वॉल्व को किसी नाउन के बाद लिखते हो तो वहां पे इन्वॉल्व रिलेटेड और एसोसिएटेड वाला मीनिंग कन्वे करता है, रिलेटेड या एसोसिएटेड। तो इन्वॉल्व मैटर मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड मैटर, और ये एसोसिएटेड मैटर, बस ये दो एडजेक्टिव याद रखना, चल तो नहीं रहे। देखना बाबू, हम ऐसे लिखते हैं एक प्रेजेंट टेंपीज और एक लिखते हैं एमपीज प्रेजेंट। देखो बाबू, प्रेजेंट टेंपीज का मतलब हो गया करंट या एग्जिस्टिंग एमपी, करंट और एग्जिस्टिंग एमपी, जैसे अभी हम कहें हुए प्रेजेंट एमपी ऑफ अलीगढ़ सतीश गौतम, ठीक है। अच्छा, एमपीज प्रेजेंट मतलब होता है अटेंडिंग एमपीज, अटेंडिंग एमपीज,
ठीक है, जैसे कि एटलीस्ट वन वन टेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है पार्लियामेंट में सेशन को इनिशिएट करने के लिए, तो एम पी प्रेजेंट कितने होने चाहिए, वन टेंथ होना चाहिए, मतलब अटेंडिंग एम पी। ठीक है, एक ये हो गया। और देखो बाबू, तो जब आप प्रेजेंट को किसी नाउन से पहले लिखते हो तो वहाँ पे प्रेजेंट करंट वाला मीनिंग कन्वे करता है, और जब प्रेजेंट को किसी नाउन के बाद लिखते हो तो वहाँ पे प्रेजेंट वाला प्रेजेंट अटेंडिंग वाला मीनिंग कन्वे करता है। बस ये है। एक दो और देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रॉपर, लैंग्वेज प्रॉपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉपर को किसी नाउन से पहले यूज करते हो तो वहां पर प्रॉपर राइट वाला मीनिंग कन्वे करता है, राइट और करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर प्रॉपर को नाउन से पहले यूज करोगे तो प्रॉपर का मतलब क्या होगा, राइट करेक्ट, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर को किसी नाउन के बाद लिखोगे तो वहां पे प्रॉपर का मतलब होगा रियल या इन अ ट्रू सेंस, इन अ ट्रू सेंस। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। प्रॉपर को नाउन से पहले यूज करोगे तो वहां पे प्रॉपर का मतलब राइट या करेक्ट हो जाएगा, और प्रॉपर को जब नाउन के बाद लिखोगे तो वहां पे प्रॉपर का मतलब रियल इन अ ट्रू सेंस हो जाएगा, रियल इन अ ट्रू सेंस। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल बता, जैसे अभी रोजे चल रहे हैं तो इफ्तार का मजा कब है, जब आप रोजा रखो तब, ठीक है, जब रोजा रखो तब, ठीक है। तो प्रॉपर इफ्तार या इफ्तार प्रॉपर क्या होगी बताओ, प्रॉपर इफ्तार या इफ्तार प्रॉपर, इफ्तार प्रॉपर या प्रॉपर इफ्तार, इफ्तार प्रॉपर बाबू। रियल और ट्रू सेंस में जो इफ्तार होगी वो रोजदारों के लिए ही होगी, ठीक है। तो मतलब वही रियल या ट्रू सेंस वाला इफ्तार प्रॉपर, प्रॉपर इफ्तार का मतलब तो राइट इफ्तार, करेक्ट इफ्तार, जिसमें वुजू करके बैठो, दुआ पढ़ो, ठीक है, खजूर से उठाओ, तो वो हो जाएगी प्रॉपर इफ्तार, प्रॉपर इफ्तार। लेकिन रियल मैं जो बोल रहा हूँ वो वाला मतलब क्या था बाबू, इफ्तार प्रॉपर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जब आप प्रॉपर को किसी नाउन के बाद लिखते हो तो वहाँ पे प्रॉपर का मतलब रियल या ट्रू सेंस में होता है। जल्दी तो हो जाए। एक और देखो बाबू, कोई बात नहीं, इट्स अ टेस्ट, रोजा रख के पढ़ाओ, रोजा रख के पढ़ो। अभी तो मेरी दो क्लासेस और हैं, देखो बाबू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से अपोजिट प्यूपिल और प्यूपिल अपोजिट, बाबू ये पेपर में आने वाली चीज है, इनको आप याद कर लेंगे। प्यूपिल अपोजिट, देखो फिर से, आपने एक बार यहां पर इसको एडजेक्टिव को ऐसे यूज किया और यहां पर ऐसे यूज किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपोजिट को प्रेडिकेटिवली यूज करते हो तो वहां पे अपोजिट का मतलब कंट्रारी होता है, कंट्रारी, ठीक है, या डिफरेंट। और जब आप अपोजिट को किसी नाउन के बाद लिखते हो तो वहां पे अपोजिट का मतलब होता है ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, फेसिंग, कंट्रारी मतलब एक दूसरे के अपोज में, मतलब दो चीजें अलग अलग, हाँ अलग अलग चीजें, बिल्कुल ठीक है। अभी इसका और बताएंगे थोड़ा सा इसको, और अभी जब मैं वो बताऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। कंट्रारी और डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग होना, किसी की ओपिनियन किसी दूसरे से अलग होना, तो मैं तुम्हारी ओपिनियन कुछ और है किसी और की और है, तो अपोजिट के ओपिनियन, ठीक है, जैसे कि तुम कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, तो वेयर अपोजिट, बस ये है कंट्रारी और डिफरेंट, ठीक है। सर
जैसे ये भी आया था देखो पेपर में, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉइज, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल, ये सब पेपर में आते हैं। एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल, देखो अगर आप रिस्पॉन्सिबल को किसी नाउन से पहले लिख रहे हो और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल को नाउन के बाद लिख रहे हो, तो जब रिस्पॉन्सिबल को आप नाउन से पहले लिखते हो तो वहाँ पे होता है अकाउंटेबल, अकाउंटेबल वाला मीनिंग कन्वे करता है। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाब दे, ठीक है, जिनको जवाब देना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब जैसे कि वाइस चांसलर साहब है, वाइस चांसलर अगर कोई भी खराबी होती है हमारे एमपी में तो वाइस चांसलर साहब जवाब दे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो कहेंगे वाइस चांसलर साहब इज अकाउंटेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप रेस्पॉन्सिबल को किसी नाउन के बाद लिखते हो तो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गिल्टी, क्या चीज, ठीक है, गिल्टी वाला मीनिंग, ये बात समझ में आ गई। अब इतनी सी बात है, अब देखो गिल्टी मतलब गिल्टी तो आप गिल्टी एम्प्लॉइज मतलब जिन्होंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, गिल्टी मतलब जिन्होंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। अब इस पे थोड़े सवाल देखते हैं तो समझ में आएगा। Being satisfied with what one has is death. What is to solve such question? देखो प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करना है और इसके साथ आपको एक एक में नाउन यूज करना है हैप्पीनेस और एक में नाउन यूज करना है मेथड, बस समझ आ गया, ये दो सेंटेंस है। प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करना है एक और, ठीक है, उस एडजेक्टिव के साथ आपको एक में नाउन यूज करना है हैप्पीनेस और एक में मेथड। अब ऊपर आ जाओ, बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट वन है, जो भी इंसान के पास है उससे वो खुश हो जाए, उसी से खुश रहे, तो आप इसको क्या बोलोगे, करेक्ट हैप्पीनेस या फिर हैप्पीनेस इन ट्रू सेंस, बताओ। अगर हमारे पास जो भी है अल्लाह ने जितना दिया हम उसी में खुश हैं तो ये उसी में खुश हैं, तो ये खुशी हमारी क्या है, करेक्ट हैप्पीनेस है या हैप्पीनेस इन ट्रू सेंस है, करेक्ट हैप्पीनेस, वाह हैप्पीनेस करेक्ट होती है, ट्रू सेंस वाली, जो भी आपको दिया आप उतने में खुश हो, तो यही एक खुशी होती है, रियल खुशी यही है, ट्रू खुशी यही है, तो जो भी मिला उसी में खुश होना, तो हैप्पीनेस इन ट्रू सेंस, तो ट्रू सेंस वाला मीनिंग आपको चाहिए, तो आप वो कैसे कन्वे करोगे, जब प्रॉपर को बाद में लिखोगे, तो हैप्पीनेस प्रॉपर, हैप्पीनेस बाबू जो भी मिला उसी में खुश हो जाना, वही तो ट्रू हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इन ट्रू सेंस। अच्छा नीचे चलो, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चन, अब आप यहां पे देखो, अगर आप प्रॉपर मेथड लिखोगे, मेथड प्रॉपर लिखोगे, करेक्ट मेथड, करेक्ट मेथड तो मैं प्रॉपर मेथड, ठीक है, तो यहां पर हमें ये वाला मीनिंग चाहिए था, हैप्पीनेस इन ट्रू सेंस, तो प्रॉपर बाद में लिखते हैं मीनिंग करने का होता है। एक और देखो बाबू, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो गए इसमें, एक बार देखो आप, वी शुड प्रमोट द डैश
दैट एज विल बी टेकन टू टास्क। आपको एडजेक्टिव का यूज करना है रेस्पॉन्सिबल और नाउन भी, नाउन एम्प्लॉय। बाबू टेक टू टास्क का मतलब होता है टू रेप्रीमांड, टू पनिश, ऐसे ऐसे करते ऐसे टेक टू टास्क। फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टू पनिश या क्रिटिसाइज या रेप्रीमांड। अब रेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव का और एम्प्लॉय नाउन का यूज करना है ऊपर वाले दो सेंटेंसेस। वी शुड प्रमोट, ठीक है, कौन से अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। अकाउंटेबल एम्प्लॉय जो अच्छा काम कर दे, सही से हिसाब किताब देते। नीचे आ जाओ, विल बी टेकन टू टास्क, किनको पनिश करोगे आप, जो गिल्टी होंगे। गिल्टी वाला मीनिंग बाद में कन्वे, जब रिस्पॉन्सिबल को आप बाद में लिखते हो तब कन्वे होता है एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऑल राइट, अब इसको मिटाते हैं और फिर थोड़ा सा और शुरू करते हैं। देखना बाबू, देखो बाबू फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयान सैट ऑन द चेयर अपोजिट टू माइन दे आर building a house opposite to our college, opposite to our college. अब आप देखो, Ayan sat on the chair opposite to mine और दे आर बिल्डिंग अ हाउस अपोजिट टू आवर कॉलेज। बाबू आपने यहाँ पर भी अपोजिट का यूज किया है, यहाँ पर भी अपोजिट का यूज किया है, ठीक है, दोनों जगह अपोजिट एडजेक्टिव का यूज किया है, अपोजिट वर्ड का यूज किया, सॉरी मैंने ये बोल दिया। अब आप देखो, आयान सेट ऑन द चेयर, यहाँ पर ये जो अपोजिट है ये इस चेयर के लिए यूज किया गया है, किसके लिए, चेयर के लिए, यहाँ पर है ये एडजेक्टिव। They are building a house to our village. अब to our, बाबू जो our village है, ये where का reply है. Where are they building our house? This is very important. अच्छी बात है. यहाँ पर ये जो opposite है, ये where का reply है. किसका? Where का reply है. ऊपर where का reply नहीं है. Ayan sat on the chair opposite to my chair. जैसे बाबू एक मिनट में एक example पहले यहाँ बता देता हूँ. हाँ अभी भाई मैं बता रहा हूँ, ये दिस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बाबू। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बी इज इन फ्रंट ऑफ ए, बी ए के फ्रंट में है, और ये देखो बी इज अपोजिट टू ए, ठीक है, ये मतलब ये तो बात समझ में आई। देखो पोजीशन देखो, अब बाबू यहां पर अपोजिट जो है ये एडजेक्टिव है, इस वाली कंडीशन, इस वाली
कंडीशन में अपोजिट क्या है बाबू? एडजेक्टिव, ठीक है। ऑलराइट, ऊपर आ जाओ बाबू। आई एम सैट ऑन द चेयर अपोजिट टू माइन, ठीक है बाबू। एक चेयर ये होगी, एक चेयर ये होगी, आयान इधर बैठ गया, आप इधर बैठ गए, ये तो कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे तुम बैठो अपोजिट टू माइन, है ना, तो यहाँ पर अपोजिट एडजेक्टिव हो गया, तो ये टू ठीक हो गया, क्या सही है, ये टू ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ जाओ, दे आर बिल्डिंग अ हाउस अपोजिट टू अवर विलेज बाबू। अब यहाँ पर बिल्डिंग, वेयर आर दे बिल्डिंग हाउस अपोजिट अवर विलेज, जब बाबू अपोजिट वेयर का रेप्लाई हो, किसका रेप्लाई हो, अपोजिट जब वेयर का रेप्लाई होता है तो वहां पर अपोजिट प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वेयर आर दे बिल्डिंग अ हाउस अपोजिट अवर विलेज, तो बाबू यहाँ पर अपोजिट प्रीपोजिशन है। क्यों, आपको कैसे पता चला प्रीपोजिशन है बाबू? यहाँ पर ही वेयर का अप्लाई है और यहाँ पर वेयर का अप्लाई नहीं है, सिंपली ये वाली कंडीशन थी। तो जब अपोजिट प्रीपोजिशन होता है तो बाबू उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया करो। अब ये अवर विलेज जो है बाबू, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन आपने इसको टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया है, अपोजिट खुद प्रीपोजिशन है, तो यहाँ से टू हटा लो और ये टू ठीक है। इसी समझ में, ऊपर अपोजिट था एडजेक्टिव तो टू ठीक हो गया, नीचे अपोजिट था प्रीपोजिशन। आपको कैसे पता चलेगा अपोजिट प्रीपोजिशन है या एडजेक्टिव है? अगर अपोजिट वेयर के रिप्लाई में यूज किया गया हो तो वहां पर वो प्रीपोजिशन होगा, और वेयर के रिप्लाई में यूज नहीं किया गया हो तो वो एडजेक्टिव होगा। एक और देख लो आप, एक और देखो, there lived some foreigner some foreigners in the house in the house in the house opposite to our village opposite to our village चलो एक सवाल और देख लेना। देयर वॉज सिटिंग अ टॉल मैन अपोजिट मी अपोजिट मी इन द थिएटर। पहले ऊपर वाले में देयर लिव्ड सम फॉरेनर्स इन द हाउस अपोजिट टू आवर विलेज। अब बाबू हमें ये पता लगाना है कि ये अपोजिट क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है। क्यों हम ये क्यों पता लगा रहे हैं? क्योंकि अगर ये अपोजिट एडजेक्टिव होगा तब तो ये टू ठीक होगा, अगर ये अपोजिट प्रीपोजिशन होगा तब ये टू गलत होगा, ठीक है। तो देयर लिव्ड सम फॉरेनर्स इन द हाउस अपोजिट टू आवर विलेज। अच्छा, अगर अपोजिट प्रीपोजिशन होता है तो वेयर के रिप्लाई होता है, किसका वेयर का रिप्लाई होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब आप मुझे बताओ ये आपका विलेज नहीं, ये आपका विलेज है, ठीक है। आपके विलेज के सामने कोई एक घर है सामने वाला, ठीक है, यहाँ पर फॉरेनर्स रह रहे हैं, ये रह रहे हैं फॉरेनर, तो ये वही वाली तो कंडीशन आ गई ना, ए अपोजिट बी, आमने सामने, आमने सामने, तो यहाँ पर अपोजिट है एडजेक्टिव, अपोजिट क्या है, तो ये टू ठीक है, ये टू ठीक है। अब नीचे आ जाओ, There was sitting a tall man opposite me in the theater. बाबू आपने अपोजिट मी लिख दिया इन द थिएटर। सबसे पहली बात, अगर आपने अपोजिट मी लिखा है तो बाबू ये प्रीपोजिशन हो गया और मी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो टू प्रीपोजिशन लिखते, ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ये अपोजिट का मतलब क्या बताया था मैंने, कि देखो ये वाली कंडीशन बताई थी, ए बी, बी इज अपोजिट टू ए, ठीक है। लेकिन थिएटर में आदमी ऐसे बैठते हैं, थिएटर में तो ऐसे बैठते हैं,
तो ये होता है फ्रंट वाला, इन बी इज इन फ्रंट ऑफ ए, बी इज इन फ्रंट ऑफ ए, अगर ये बाबू ए है और ये बी है तो आप थिएटर में तो हम ऐसे बैठते थे, हमें तो वो देखनी होती स्क्रीन, ठीक है। तो आप ये तो गलत लिख दिया जब आप सेटिंग, अब मैं अपोजिट इसकी जगह लोगों इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी, ये वाला मीन करने करना है, इन फ्रंट ऑफ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और राइट, अब आप देखते हैं और कौन सा है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं एडजेक्टिव में, और उसके बाद हम कल इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हो गई सर, क्या हुआ, कहाँ से होगा, करो दबाओ।